माई सेल्फ सुदेश फ्रॉम आदर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर आर वेल। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज स्टे इन योर होम एंड टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, आई नो यू मिसिंग योर टीचर एंड आई टू मिस यू स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स स्टडी टाइम। टुडे वी आवर स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट दैट आवर सेकेंड क्लास इंग्लिश हिंदी बुक, आवर सेकेंड क्लास हिंदी बुक भाषा से तो, एंड वी रीड अवर सेकेंड लेसन मेरी कहानी। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? वी स्टार्ट इट। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकेंड लेसन था हिंदी का, मेरी कहानी, वो हमने कम्प्लीटली रीड कर लिया था। एंड डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो दिए गए हैं, वो हमें रीड एंड राइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके, फर्स्ट इज बोध और विचार, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे फोर फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें जो राइट आंसर है उसको हमें टिक करना है। फर्स्ट इज, भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वो स्टोरी पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग जो भाप से चलने वाला इंजन है उसका आविष्कार किसने किया? जेम्स ने, जॉर्ज ने, फिलिप ने या पीटर ने? हमें यहाँ पे फोर नेम्स दिए गए हैं, उनमें से जो राइट नेम है उसे टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स ने। ओके, सेकेंड इज, प्रारंभ में इंजन के पीछे किसके डिब्बे लगाए गए? कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारी जो ट्रेन है उनकी स्टार्टिंग हुई थी तो जो डिब्बे हैं उनके पीछे वो किस चीज़ के लगाए गए थे? लकड़ी, लोहा, पीतल या एल्यूमिनियम? इन फोर ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन राइट है उसे हमें क्या करना है? टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो किस चीज़ के थे इस स्टोरी के अकॉर्डिंग? लकड़ी के। ओके स्टूडेंट्स, द थर्ड क्वेश्चन इज, आधुनिक समय में रेलगाड़ी का प्रचलित रूप क्या है? कि जो हमारा मॉडर्न टाइम है उसमें रेलगाड़ी का प्रचलित रूप है वो क्या है? भाप इंजन, डीजल इंजन, बिजली इंजन या फोर्थ ऑप्शन इज खै और गै, दोनों? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे टिक किया गया है ना, थर्ड का जो ए क्वेश्चन ए है वो रॉन्ग है। आधुनिक समय में रेलगाड़ी का प्रचलित रूप क्या है? खै और गै दोनों है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ। ओके स्टूडेंट्स, खै और गै दोनों हो जाएगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज नॉट राइट, इट्स रॉन्ग आंसर। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन इज, माल ढोने वाली रेलगाड़ी क्या कहलाती है? कि जिस रेलगाड़ी में जो मतलब ह्यूमन्स हैं, जो मानव है, वो मतलब यात्रा नहीं कर सकते, सफ़र नहीं कर सकते, जिन गाड़ियों में माल ढोने की जो रेलगाड़ियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सवारी गाड़ी, मालगाड़ी, रेलगाड़ी या सभी? तो उन्हें क्या कहते हैं जिनमें माल ढोया जाता है? मालगाड़ी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, सोचो और बताओ, रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हमें स्टोरी में रीड करके देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी जो रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार है वो किसने किया? जेम्स ने। जेम्स कौन था? जेम्स एक अंग्रेज बालक था, तो उसने क्या किया था? रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किया। ओके स्टूडेंट्स, द सेकंड क्वेश्चन इज, भाप में बहुत शक्ति है, उसे इस बात का पता कब और कैसे चला? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये हमें पता है कि जो भाप में बहुत शक्ति है उस चीज़ का पता उसे कैसे रखा? क्योंकि उसने जो एक दिन जो चाय बनाने के लिए उसने क्या किया था? आग पर पानी रखा था, पानी का पतीला रखा था, थोड़ी देर में जब पानी उबलने लगा तो भाप की जोर से पतीले का ढक्कन क्या हो गया? नीचे गिर गया फर्श के ऊपर। तो जेम्स को क्या लगा? जेम्स को समझ में आ गया था कि भाप में है बहुत शक्ति है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज, भाप से चलने वाले इंजन में क्या जलाए जाते हैं? भाप से चलने वाले इंजन में क्या जलाए जाते हैं?
अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कोयले जलाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन इज रेलगाड़ी अब किस किस वस्तु से चलाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न टाइप की जो हमारी रेलगाड़ियाँ हैं वह है बिजली से चलती है, डीजल से चलती है। तो ओके स्टूडेंट्स, बिजली से चलने के कारण इसकी स्पीड जो क्या है काफ़ी तेज़ हो गई है। बड़े शहरों में तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी किस किस नाम से जानी जाती है। राजधानी और एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आजकल रेलगाड़ी में यात्रा करना क्यों आरामदायक हो गया है, क्योंकि इसमें यात्रियों को खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ दिए गए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज पढ़ो और जानो। तीन रेलगाड़ियों के नाम हम बता रहे हैं, तीन के नाम आप लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे जो हमारी तीन रेलगाड़ियाँ हैं उनके नेम हमें यहाँ पे दिए गए हैं और तीन के हमें राइट करने हैं। तो फर्स्ट इज शताब्दी एक्सप्रेस दिया गया है, सेकेंड इज देहरादून एक्सप्रेस दिया गया, थर्ड इज जम्मू तवी एक्सप्रेस दिया गया, और तीन के जो हमें राइट करने हैं। तो स्टूडेंट, आप अपनी तरफ से भी कोई भी जो रेलगाड़ी है उसका नाम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे तीन जो नेम राइट किए हैं, यू लुक केयरफुली, प्रयागराज एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एंड सिक्स्थ इज साबरमती एक्सप्रेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज समझो और लिखो। इस पाठ में रेलगाड़ी अपने बारे में बताती है, इस प्रकार स्वयं को बस मानकर पांच वाक्य लिखो। कि यहाँ पे जो रेलगाड़ी है जैसे खुद के बारे में अपनी जो आत्मकथा बता रही है रेलगाड़ी, सेम मतलब हमें एक बस मानकर, जैसे कि हम खुद को एक बस मानकर हमें यहाँ पे पांच वाक्य लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बस हूँ, मुझ में मतलब जो सवारियाँ हैं वो आरामदायक सफ़र कर सकती है, ऐसे लिखने। ओके स्टूडेंट्स, और मैं एक स्थान से मतलब दूसरे स्थान तक यात्रियों को भी ढोती हूँ, उनके सामान को भी ढोती हूँ, मुझ में मतलब यात्रियों को की हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है, और मुझ में बैठने की बहुत सारी सीटें होती हैं, पंखे होती हैं, मैं भी डीजल से चलती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे मतलब एज ए बस आपको क्या करने हैं, पांच वाक्य लिखने हैं, अपने नोटबुक में नोट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नए शब्द बनाओ। बब से फॉर एग्जांपल हमें एक एक वर्ड दिया गया, डिब्बा। सेकंड इज हमें नए शब्द बनाने हैं, तो हमने क्या बना दिए, अब्बा, मुरब्बा। नेक्स्ट इज च, कच्चा, तो हमें क्या बनेगा, सच्चा बच्चा। तथ, पत्ता, सत्ता जत्ता। गग, जग्गा, फगा पग्गा। कक, कक से क्या बन गया, ढक्कन, भुलक्कड़, घुमक्कड़। नेक्स्ट इज नन से क्या बन गया, गन्ना, सुन, धुन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज उदाहरण देखो, समझो और करो। आग पर पानी का पतीला रखा, इससे क्या बनाया गया, आग पर पानी का पतीला रखा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे मतलब इसी उदाहरण के अकॉर्डिंग हमें जो आगे में दिए गए हैं पॉइंट्स हमें वो यहाँ पे राइट करने। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज अंगीठी में कोयले जलाए, तो हमें क्या बनाना है, आग पर पानी का पतीला रखा, आग पर पानी का पतीला रखा गया, अंगीठी में कोयले जलाए, अंगीठी में कोयले जलाए गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पतीले का ढक्कन गिरा, क्या बन गया, पतीले का ढक्कन गिर गया, या हम यहाँ पे गिराया गया भी राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज डिब्बा अंगीठी के साथ जोड़ा, हमें क्या बनाना है, डिब्बा अंगीठी के साथ जोड़ा गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रंग भरो, दिए गए रेलगाड़ी के चित्र में रंग भरो। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या दी गई है, एक रेलगाड़ी दी गई है, और डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ इस रेलगाड़ी में इसके डिब्बों में हमें क्या करना है, कलर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ पेंसिल उठाओ और अपने काम में लग जाओ। ओके स्टूडेंट्स,
तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा हिंदी का जो सेकंड लेसन है मेरी कहानी, वो लेसन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे हम हमारा जो थर्ड लेसन है, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, वो कंप्लीट करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम फॉर कॉमेंट ऑन टेलीग्राम चैनल। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एट होम।